दोस्तों जय हिंद, सभी को शुभकामनाएं। रफाइल का वर्डिक्ट आ चुका है और पुनः स्थापित हो गया कि सत्यमेव जय का सिद्धांत जो है वो हमेशा अपने आप को प्रदर्शित करता है। वो सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं होता। और इससे एक बात और स्थापित कर दी दोस्तों कि हिंदुस्तान में, आज के भारत में, बड़े बड़े डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट बिना एक पैसे की दलाली के, बिना एक नए पैसे की लेन देन के संभव है, जो पूर्व में नहीं होता था। पहले यही था कि डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़ी दलाली, डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मतलब बड़ी चोरी, डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मतलब डाका डालना देश पर। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने रफाइल के ऊपर एक पूरा चुनाव लड़ा, हालांकि जनता ने खूब जूते मारे उनको, उनको क्या क्षमा याचना नहीं करना चाहिए? हमसे भी करना चाहिए, प्रधानमंत्री महोदय से भी करना चाहिए। और प्रधानमंत्री महोदय के साथ तो उन्होंने जो किया वो किया। उन्होंने, यदि आप देखने जाएं, तो चार चार सांवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। इनको उन सभी सांवैधानिक संस्थाओं से क्षमा याचना करनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली संस्था तो प्रधानमंत्री कार्यालय, जो कि एक सांवैधानिक संस्था है, उसके ऊपर झूठा लांछन लगाया गया और जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग किया गया वो अमर्यादित थी, झूठ के साथ। दूसरी बात, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, उस पर भी इन लोगों को विश्वास नहीं था। और पूरा इनका जो चुनावी कैंपेन था 2019 के लोकसभा का, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विशेष का, वो आधारित ही रफेल के झूठ पर था। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान किया, फिर इन्होंने सीएजी का अपमान किया। सीएजी के बारे में तो बहुत सारी बातें की इन्होंने। सीएजी ने क्योंकि स्पष्ट कहा था कि पहले से जो रेट था उससे भी कम रेट पे खरीदा गया। बलराम सिंह जी कहते हैं, हमेशा की तरह सत्य की जीत हुई है। सही कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। और इन्होंने भारत की वायुसेना का भी अपमान किया, क्योंकि बीएस धनोपा जी, जो उस समय भारत की वायुसेना के चीफ थे, उन्होंने कहा था कि ये जो परचेज है, इसमें जो पहले एमएमआरसीए हुआ था उससे भी कम दर आई है। और सीएजी ने तो एक बात और कही थी कि यहां तक जो डिलीवरी है विमानों की, वह भी पूर्व की जो डिलीवरी का समय था उससे जल्दी हो रही है, उससे शीघ्र हो रही है। लेकिन अब क्या करें, इनका जो हर चार चार संस्थाओं को, सांवैधानिक संस्थाओं को अपमानित कर रहे थे। अब हम लोग भी सब भूल जाते हैं थोड़े दिन बाद कि जो बातें हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहता हूं, प्रकाश डालना चाहता हूं क्या हुआ था। देखिए, हमने जो रफाइल की डील करी वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेज हुई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की गई भारत सरकार के द्वारा फ्रांस की सरकार से, जिसमें कोई भी मध्यस्थ नहीं था। मैं पुनः कह रहा हूं, इस पूरी प्रक्रिया में, पूरी परचेसिंग में कोई भी मध्यस्थ नहीं था। जो दो स्क्वाड्रेंट खरीदी गई बिना किसी मध्यस्थ के खरीदी गई, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपी थे जो 2013 में एके एंटनी ने बनाए थे, उन सब का परिपालन किया गया। और आप देखिए कि इसमें किस प्रकार के, चाहे धनोपा जी हो या जो दूसरे लोग थे वायुसेना के, एयर मार्शल मिस्टर सिन्हा हो, ये इंटीग्रिटी वाले लोग थे जो इस पूरी डील में शामिल थे, जिन्होंने पूरी डील का वैल्यूएशन किया, जो इक्विपमेंट की प्राइस का वैल्यूएशन किया, तो उसके ऊपर इन लोगों ने लांछन लगाया। इनको देश की वायुसेना से, देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से और देश के सीएजी से क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना जनता इनको जीवन में कभी माफ नहीं करेगी। और फिर इनको वही स्थिति होगी जो अभी चुनाव में हुई इनकी 2019 के। लेकिन हम सबका सौभाग्य है
कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और दलालों का बुरा समय चल रहा है, इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देश सही हाथों में है। जय हिंद।